ना हर दम सारी गली सब्जियां उठा ले आते, कुछ बोलो तो उल्टा भड़क जाते। क्या हुआ, तुमने कुछ बोला? मैं कह रही थी आजकल सब्जियां बड़ी अच्छी ले आ रहे हैं, एकदम प्यारी प्यारी, एकदम ताजी ताजी। और नहीं तो क्या, सब्जी मैं चुनता हूँ, सब्जी वाले को तो हाथ तक लगाने नहीं देता। वैसे सब्जी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, समझ लो आज नॉनवेज की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे कीड़े जो है इस पर। पापा पापा, अरे वाह, मेरा बच्चा फिर से फर्स्ट आया। यस पापा, मैं हमेशा की तरह वापस से फर्स्ट आई। वेरी गुड बेटा, ऐसा ही मेहनत करते रहो और अगली बार और अच्छे नंबर लाना। और मेरी बेटी परी कहाँ है, उसके कितने नंबर आए? वो बेडरूम में है पापा, उसके नंबर कम आए हैं ना, इसलिए वो आपको मार्कशीट दिखाना नहीं चाहती। अच्छा मम्मा पापा, मुझे बेटा क्यों बुलाते हैं, मैं तो लड़की हूँ ना। वो क्या है बेटी, पापा तुम्हें प्यार से बेटा बुलाते हैं, लेकिन पापा मुझे प्यार से बेटी भी तो बोल सकते हैं ना। ओफो आयु, तुम बहुत जबर लड़ाने लगी हो, तंग मत करो, मुझे बहुत काम है। कमाल है, मैंने कभी जबर लड़ाई, ये मम्मी भी ना। अरे मेरी परी बेटी का मुंह क्यों लटका है? पापा मेरे मार्क्स आयु से कम है। पढ़ाई नहीं करोगी तो मार्क्स कम ही आएंगे ना। और देखो टीवी में, और खेलो वीडियो गेम मोबाइल में। देखो ना पापा, आयु मेरा मजाक उड़ा रही है। नो आयु, इट्स बैड मैनर्स, परी तुम्हारी छोटी सिस्टर है, सिर्फ एक ही साल तो छोटी है, लेकिन आप उसको ऐसा प्यार करते हो जैसे एक ही साल की है। अरे अरे, अब तुम बार नाराज हो जाना। देखो पापा तुम दोनों से प्यार करते हैं, परी पापा की बेटी है और तुम बेटा। नहीं मैं बेटा नहीं हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। अच्छा मैं उनसे पूछ रही थी, आप उसको बेटा क्यों बुलाते हो जबकि वो भी एक लड़की है? तुम्हें तो सब मालूम ही है कि हमारे पास कोई बेटा नहीं है, रिश्तेदार के ना कमेंट करते हैं हम पर, बस हम ना गम बुलाने के लिए आयु को बेटा बुलाता हूँ। याद है ना पिछली बार बुआ ने कितने ताने मारे थे? अरे बुआ जी आइए आइए, बहुत दिन के बाद आपको याद है अपने भतीजे की। अरे बुआ जी आप कैसे हो? अरे मुझे अंदर तो आने दो या यही सब पूछ लोगे? आइए बैठिए। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ। अरे बुआ के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। हाँ हाँ अभी लेके। अरे आयु बड़ी बड़ी बुआ है, आकर मिलो इनसे। हेलो। अरे कोई ऐसी तो चलाओ, तोबा तोबा इतनी गर्मी है मुंबई में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग? हम लोग तो DBM कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी बुआ आपके दिल्ली में भी कोई कम गर्मी नहीं है? आजकल सबसे ज्यादा टेम्परेचर वही का है। तोबा कितना जबान लड़ा रही है बीतापुर की छोकरी। नो आयु, इट्स बैड मैनर्स, जाओ अपने कमरे में। हाय हाय, आज तो मैं बच्चे तो देखो, पता नहीं स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं। एक हमारा जमाना था, बड़ों के आगे गूंगे बन के बैठे थे, लेकिन मम्मी तो बताती थी कि आप सबसे बहुत बहस करती थी, बड़ा हो या छोटा। हाँ तो क्या करें, अब हमारे सामने कोई गलत बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। अच्छा छोड़ो, वैसे बेटियों को सरकारी स्कूल में डाला होगा ना? नहीं बुआ, प्राइवेट स्कूल है, दोनों की टोटल फीस 1.5 लाख रुपए है।
लड़कियां लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। ज्यादा आमिर खान मत बोल, क्या जमाना बदल गया है? तू अम्मी बेटियों की शादी नहीं करवाएगा क्या? अरे बेटियां पराया धन होती है पराया धन, इन्हें एक दिन दूसरों के घर ही जाना होता है। बेटा होता तो अलग बात होती, फिर चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, आखिर बेटा बुढ़ापे का सारा जो होता है। बुआ जी ठीक ही तो कह रही थी, लड़कियां पराया धन ही तो बोलती है। हमारे पास भी एक बेटी की जगह एक बेटा होता। क्या हुआ दीदी, आज आप बहुत सैड हो, मुझसे झगड़ा भी नहीं कर रही हो? अब तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी परी, जानती हो मम्मी पापा को तो बेटा चाहिए था, हम लोग तो उनकी चॉइस ही नहीं थे। मैंने भी रात में सुना दीदी, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही मम्मी पापा हमसे प्यार ना करे पर हम लोग तो उनसे प्यार करते हैं ना। हम साबित कर देंगे कि हम बेटियां बेटों से कम नहीं है, हम खूब पढ़ाई करेंगे और मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे। अरे वाह शाबाश मेरे बच्चों, पापा को तुम पर नाज है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। अरे बुआ जी आप आइए आइए। अरे बुआ आप, क्या हुआ बुआ, सब ठीक तो है ना? सब खत्म हो गया बेटा, मेरे बेटे ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया। क्या क्या बोल रहे हो बुआ जी, भैया तो आपको बहुत मानते थे, वो ऐसा कैसे कर सकते? जब से उसकी अनारकली बीवी घर में आई है तब से उसे मुझ में ABM नजर आ रहे हैं। बोलता है कि मैं उसकी बीवी से जानबूझकर झगड़ा करती हूँ। कल भी बहुत भला बुरा कहा उसने। बता खुद का बेटा ऐसा करेगा तो कोई कहा जाएगा? तू एक काम कर दे बेटा, मेरे गांव का टिकट बनवा दे, मैं गांव जाकर रहती हूँ। ठीक है बुआ जी, अब कुछ दिन यहाँ रहिए, फिर मैं आपकी टिकट बनवा दूंगा। कुछ दिन क्यों पापा, बड़ी बुआ हमारे साथ हमेशा क्यों नहीं रह सकती? वो बेटा हमारा घर छोटा है ना? हमारा घर इतना भी छोटा नहीं है पापा कि बड़ी बुआ यहाँ ना रह सके। इस उम्र में वो अकेली कैसी रहेगी, उनकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना। पापा आप ही तो बोलते हो ना कि आदमी का दिल बड़ा होना चाहिए, घर छोटा हो चलेगा। प्लीज पापा बड़ी बुआ को यहाँ रहने दीजिए, हम अपना रूम उनके साथ शेयर कर लेंगे। हमारी बेटियाँ सही बोल रही है जी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी नन्ही सी बेटियाँ इतनी बड़ी हो चुकी है। सच कहा तुमने, ऐसी कोनू जैसी बेटियाँ होते हुए भी हम बेटा ना होने का अफसोस कर रहे थे, लानत है। ठीक है बच्चों, आज से बुआ जी हमारे साथ रहेगी, ओके? मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं गलत थी, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। बेटी तो बेटी होती है, बेटा उनके साथ कुछ नहीं। तो ये मन बुआ जी अब रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप तो डांटते हुए ही अच्छी लगती हो बड़ी बुआ। जी बोलिए। आपकी बेटियों ने ऑनलाइन ओलंपियन में हिस्सा लिया था, दोनों ने नेशनल लेवल पे टॉप किया है। आयु फर्स्ट आई है और परी सेकंड। ये कब हुआ, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। Bye.